यार भाई लोग आ चुके हैं नोडे साथ वापस। एंड यार भाई लोग, यार इस वाले गेम प्ले में हमने किए बहुत सारे किल। एंड भाई लोग, मैं उतर चुका था इस नई वाली जगह पे, ग्रेफिटी प्रैंक जो भी इसे कहते हैं। एंड यार भाई लोग, इसमें जो किल होते हैं ना शुरुआत से ही, वो इतने भयंकर होते हैं कि बाद में जाके तो आपको मजा ही आ जाने वाला है। एंड अब बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में, जिसका नेम चेंज हो चुका है गाइस। एंड पहले तो ये वाला किल देख लो, एंड उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। मतलब भाई 1 HP बचा था मैं यूँ मान के चलो। एंड जो ये शॉटगन के 2 शॉट्स पड़े, पहले तो इसको और दूसरा इसको। एंड भाई लोग यार क्या ही गजब के शॉट थे। एंड भाई लोग बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल के बारे में। तो गाइस जो पबजी मोबाइल इंडिया का है, उसका ऑफिशियल नेम चेंज हो चुका है। फेसबुक पेज में जाओगे तो वहाँ पर उसका बैनर आपको अपग्रेड हुआ दिख जाएगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से। तो यार भाई लोग, यार बहुत जल्दी आने वाला है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। एंड आप भी तैयार रुकना एंड तैयार रहना साथ गेम प्ले करने के लिए। एंड भाई लोग, यार इसी तरीके से अब गेम प्ले डालते रहेंगे, क्योंकि अब अपने प्रो बन चुके। इतने दिन से बस प्रो गिरी कर रहे थे, आज से प्रो बन चुके हैं। तो ये वाला गेम प्ले तो वही बहुत ही गदर जाने वाला है। तो इस गेम प्ले को तो पूरा ही इंजॉय करना। तो भाई लोग, इस बंदे को मारने के बाद मैं ऊपर जाता हूँ। एंड ऊपर से मेरे को साउंड आता है एक बंदे का, जो कि दूसरे बंदे को मार रहा होता है। एंड उसने जैसे ही ऊपर से फिनिश करता है, एंड मैं स्टोन बंदे के उसको मार देता हूँ। एंड भाई लोग, यार इसके पास से मेरे को मिल जाती है एक कार 98। एंड मैं शॉटगन की जगह कार 98 ले लेता हूँ। मेरे शॉटगन की बुलेट की एमओ भी बहुत कम हो जाती है बुलेट की। एंड भाई लोग, यहाँ पर मेरे 4 किल हो जाते हैं बिल्कुल तरीके से कंप्लीट। एंड यहाँ पर बैरल तो उठा लेता है। एंड भाई लोग, यार ये डुओ और स्क्वाड का जो मैच में जो मज़ा आया ना यार, वैसा मैच में कहीं मज़ा नहीं आया। एक बोट मिल गया था तो बोट हमारे बिना चल रहा है। एंड यहाँ पर एक और बोट मिल गया था BRDM वहाँ से। एंड भाई लोग, यार इसको भी टोमी गन से मैं नॉक करता हूँ एंड कार 98 से फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पर हमको हमारे हो चुके 5 किल। एंड अब देखना कितने मजे आने वाले, क्योंकि यहाँ से हमको मिल जाती कार 98 एंड बैरल। और अब देखना सबके स्प्रे। तो यहाँ पर आता हूँ एंड यहाँ पर एक और बोट मिल जाता है। यार बहुत ज़्यादा मिल रहे थे कच्ची क्यों, इससे पहले वाले मैच में तो इतने बंदे आए थे भाई लोग, इतने कि वो मेरे को पहले जा रहे थे। तो यहाँ पर एक बंदा आता है, ये भाग रहा होता है, क्या मालूम कोई सामने इसको बंदा वगैरह दिख जाता है। एंड पीछे से मैं इसको कार 98 का शॉट लगा देता हूँ यहाँ पर। एंड इसके बाद अब मैं यहाँ से हम जाते हैं। एंड मैं बोलता हूँ BRDM रहती है BlackKing42 के पास, तो उससे बोलता हूँ कि जाके सीधे रश मार दे। एंड भाई लोग, वो रश मारने जाता है एंड वहाँ पर होते 3 बंदे, उनमें से एक को तो वो फिनिश कर देता है, बट दूसरा एक पीछे से मार रहा होता है एंड एक बंदा उसके पास ही रहता है। एंड उस बंदे को हम देखो कैसे भरते हैं। एंड भाई लोग, यार इसको मारने के बाद इसको भी मार देते हैं एंड उसको भी मार देते हैं, बट हमको एक फायर आता है रुइंस की पहाड़ी से, मतलब रजोक वाली पहाड़ी से। एंड अब देखना वहाँ से शॉट्स पड़ते हैं हमको, बट अच्छा होता है मेरे पास 2 ही गाड़ियों का कवर रहता है, एक तो BRDM का और एक अपने साइड वाली घटाला ऐसी कार का। एंड यहाँ से मेरे को मिल जाती है M4 एंड M4 लेके मैं चलता हूँ यहाँ से। एंड अब देखना जो रजोक वाली पहाड़ी, वहाँ से जो बंदा आता है वो कार लेके, एंड वो एक बंदे को मारता है एंड मैं उसको देखना कैसा बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले तो जो भी ये एबिलिटी है रिकोनाइज करके, जो ग्रेनेड जैसा है ये भी, इसको अपन फेंकते हैं। एंड भाई लोग अब देखना, वो मेरे को बंदा स्पॉट हो जाता है एंड ये इस पर पड़ के ख़त्म। अब भाई इसका मेरे को लग रहा था कि एक और बंदा यहाँ पर बट रहता तो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले ग्रेनेड एंड स्मोक करता हूँ। तो सबसे पहले एक ग्रेनेड मारता हूँ मैं और उसके बाद मैं 2 स्मोक कर देता हूँ, ताकि क्या कोई दूसरा बंदा मेरे को दूर से मार ना पाए एंड मैं उसके पास जा पाऊँ। लेकिन ये एक ही बंदा था इसलिए मैंने इसको ग्रेनेड से किल हो गया है, पहले तो नॉक हो गया था M4 से। एंड अब मैं यहाँ से जाता हूँ एंड इसकी गाड़ी लेके फिर अपन निकलते हैं। एंड इसी टाइम पे BlackKing42 तो मार जाता है यहीं पे इसी फाइट में। एंड चलो यहाँ से चलते हैं एंड फिर इसके बाद जो भसड़ मचने वाली है ना, वो अब देखने लायक होगी। तो यहाँ से मैं सीधा आ जाता हूँ पहुँचिंग की। एंड भाई लोग अब देखना, यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ सबसे पहले तो इस बंदे को ख़त्म कर देते अपन, जो यहाँ पर करिए क्या ही गुंडा होता है परेशान आत्मा। तो इस बंदे को जैसे क्लियर करते हैं। एंड भाई लो अब देखना, यहाँ पर मेरे हो चुके थे 12 किल। एंड अब देखना मैं कैसे भरते हूँ मैं सबको, एंड यहाँ पर क्या रैली लग जाती है, ज़रूर देखना।
एंड जिनने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया यार जल्दी से कर दो, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस खतरनाक गेम प्ले के लिए। तो सबसे पहले तो इधर साइड आते हैं, एंड भाई लोग अब देखना, दो गौड़ी तो इधर से आ जाती है, एक आ जाती है, एक आ जाती है अपनी डांसिया, एंड अब देखना कैसे बढ़ते हैं। वो साइड से भी बढ़ रहे थे, एंड वो साइड वाला बंदा लेट जाता है, एंड अब देखना मैं यहाँ से कवर ले लेता हूँ, एंड अब यहाँ से देखना कैसे किल बढ़ते अपने। अगर भाई यार आपको ये वाले क्लचेस एंड ये वाला जो गेम प्ले वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक करें बिना मत जाना। एंड भाई लोग बहुत मेहनत लगती है ऐसे गेम प्ले ढूंढ के लाने में, बड़ी मुश्किल से इतना प्रो जैसा खेलना पड़ता है गाइस। एंड भाई लोग यार तो अब इसको देखना, यहाँ पर मेरे को एक बंदा स्पॉट हो जाता है, बट ये हो जाता है मेरे कार 98 से मैं लॉन्ग रेंज में नहीं मार पाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा शॉर्ट रेंज में नहीं मार सकता, तो मैंने यहाँ पर स्मोक वगैरह करा। एंड आगे बढ़ता हूँ, एंड अब देखना यहाँ पर जो दो बंदे वो कैसे स्मोक में घात लगाए बैठे थे, एंड उनको अब अपन पेल लेंगे। दो सांप थे उनमें से एक, देखो कैसे पेलाएगा। तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ये रिकोनाइज जो भी बोलते यार इस बोल को ये फेंकता हूँ, ये देखना, हाँ इसको मैं यहाँ पर फेंकता हूँ बंदे स्पोर्ट करने के लिए, एंड मेरा जो बंदे है वो स्पॉट हो जाते हैं, एंड वो दो ही बंदे स्मोक में रहते हैं, एंड मेरे को डर लग रहा होता है क्योंकि मैं खुला रश मार रहा हूँ उन पर, वो दो बंदे एंड वो इसी स्मोक के अंदर है, तो अब देखो कैसे मरते हैं। वायरस विकास ख़त्म, अब दूसरे वायरस को पेलेंगे। तो यहाँ पर ये बंदा उधर से बाहर निकल जाता है, लेकिन मेरे को उस टाइम पे गेम प्ले में दिख नहीं रहा था, एंड अब देखना इसको कैसे मरते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम था कि इसका स्मोक ख़त्म होने वाला है। एंड अब देखना लेट गया। एंड अब इसका एक और बंदा आ जाता है जो साइड से आ जाता है, एंड मेरे जाके जस्ट साइड में लेट जाता है, सांप बन जाता है, एंड इसको देखना क्या ही करने वाला है भाई, हेडशॉट पड़ जाता है बिना देखे। एंड भाई लोग अब यहाँ से 9 बंदे बचे थे, एंड मेरे हो चुके थे 16 किल, एंड अब देखना बंदों को कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर से सबसे पहले तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ से इधर साइड आता हूँ, एंड यहाँ पर मेरे को एक बंदा स्पॉट हो जाता है, एंड अब देखना उस बंदे को भी कैसे भरेंगे अपन। तो यहाँ से तो 3x और 4x लेके निकल जाता हूँ, मैं ज़्यादा लूट वूट करता नहीं हूँ। एंड अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इस बग्गी के इधर साइड वाले इस घास फूस में, एंड यहाँ से मेरे को एक बंदा स्पॉट हो जाता है जो देख सकते हो आप। अब मैं यहाँ पर पहले तो M4 में 3x लगा लेता हूँ, एंड अब देखना इस बंदे को कैसे। मैंने तो इस बंदे के पास M249 थी, बट मैंने इसे देखा था नहीं कि M249 लूँ या नहीं, मेरे को ज़्यादा किल और करने थे, इसलिए मैं यहाँ से बगी लेके इधर साइड आ गया। एंड यहाँ पर बनी हाउस जो दिख रहा है आपको, वहाँ से बंदे आ रहे थे पोचिंग के, लेकिन ये देखो ये सांप पता निकल गया था ये मेरे को, वो तो अच्छा हुआ मैंने मार दिया इसे। एंड फिर उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं अपन यहाँ पर, एंड यहाँ पर आने के बाद अब अपन मारने वाले बनी हाउस वाले बंदों को। एंड भाई लोग मैं यहाँ पर हील कर रहा होता, एंड बनी हाउस में मेरे को दो बंदे स्पॉट हो जाते हैं जो उधर से भाग के आ रहे होते। एंड पहले तो मैं इनको रनिंग शॉट लगाने का ट्राई करता हूँ, तो इनको थोड़ा बहुत पड़ेगा तो इनका जो डैमेज पड़ जाएगा इनको, बट एक भी नहीं लगता क्योंकि एक ही मारता हूँ मैं, एंड वो नहीं लगता। एंड फिर ये पेड़ आ जाता है मेरे सामने, तो मैं छोड़ देता हूँ कि चलो इसको तो M4 से ही भरेंगे। अगर भाई लोग ये स्प्रे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई लोग तुम्हारा भाई ऐसे ऐसे स्प्रे मारेगा। एंड अब आ जाता हूँ इसको, एंड वो रिवाइव दे रहा होता है बिना किसी स्मोक वगैरह के, एंड ये भी दो ही के दो ही पेला जाते हैं, इसी के साथ मेरे 20 किल हो जाते हैं। एंड अब बचे होते हैं 5 बंदे, अब इनमें से एक तो मैं हूँ यानी कि 4 बचे हुए, एंड अभी मैंने 3 किल और करने। तो पहले तो इस गाड़ी वाला बंदा मेरे को यहाँ से स्पॉट होता है, मैं उस पहाड़ी के पीछे साइड आ जाता हूँ। एंड भाई लोग यहाँ से मैं इस बंदे को ट्राई करता हूँ, बट इस बंदे ने तो मेरा और काम आसान कर दिया, क्योंकि इस बंदे ने दूसरा बंदा स्पोर्ट करा दिया जो दूसरी टीम का था। अब देखना वो जो उस कार को मैं स्पोर्ट कर रहा होता है, एंड उसी टाइम पे ये गाड़ी वाला इधर साइड आता है, एंड ये मेरे को बता देता है दूसरे बंदे की लोकेशन, जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ।
ये देखो भाई, इसके चक्कर में दूसरा बंदा पहला जाएगा। पहले तो एक बॉडी लगाता हूँ एंड एक और बॉडी में क्लियर ख़त्म हो जाता है। एंड अब हो जाते हैं मेरे 21 किल। एंड अब देखना और कितने भयंकर बढ़ने वाले हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ी देर रुक जाता हूँ एंड फिर यहाँ से जाता हूँ मैं नीचे साइड। एंड अब नीचे साइड जाने के बाद अब देखना जो लास्ट के जो बंदे अपन मारते हैं ना यार, वही करता है जहर होने वाले हूँ। तो यहाँ पर आया तो एंड यहाँ पर आने के बाद मैं ग्रेनेड करता हूँ उधर कार साइड। एंड फिर ये जो रिकोनाइज करके मतलब रिकोनाइज करता हूँ एंड बाद में ग्रेनेड भी करेंगे। तो यहाँ पर तो मेरे को कोई एनिमी नहीं देखता है, बट एक बंदा मेरे को उधर साइड से देख के अपनी लोकेशन बता देता है। एंड अब इसको यहाँ पर से पड़ने वाले लपक वाले। एंड भाई लोग दो बंदे की फाइट में मेरे को भी घुसा लेते हैं। एंड एक बंदा तो मेरे को स्पॉट हो जाता है जो डीपी से मार रहा होता है। एंड जिसने मेरे को स्प्रे दिया था वो दूसरा था। एंड फिर इसको इस बंदे ने उस वाले बंदे को किल कर दिया जिसने मेरे को स्प्रे दिया था। एंड अब देखो मैं इस बंदे को कैसे मारता हूँ। पहले तो वो ट्राई करता हूँ लेकिन भाई एंड में जाके बुलेट ड्रॉप हो ही जा रही थी। एंड अब देखना यहाँ पर पहला शॉट पड़ा। एंड अब देखना दूसरे शॉट में ख़त्म बंदा। एंड भाई लोग अब बचता है लास्ट बंदा जो कि मेरे को मिलने तो बहुत देर बाद था, लेकिन आपके इसमें तो पहले ही दिख जाएगा क्योंकि भाई एडिट करके डाल दूंगा। तो देखो इधर यहाँ पर मैं बहुत देर तक बैठता रहता हूँ एंड फिर मैं ट्राई करता हूँ ये जो रिकोनाइज करके इसको फेंक देता हूँ। एंड फिर स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि बंदा है क्या यहाँ। एंड बंदे को स्पॉट करते करते यहाँ पर मैंने यहाँ से इसी के साथ यहाँ पर फेंक दिया रिकोनाइज। एंड अब देखना यार भाई लोग यार ये बंदा कैसा इंसान है, क्योंकि भाई लोग ये मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में था। एंड मैं यहाँ से भाग के आता हूँ एंड इसके पीछे आके छुप जाता हूँ। एंड अब देखना मेरे को बंदा कहाँ पर दिखता है। मतलब मैं सोच रहा था कि वो इस साइड से आएगा। एंड देखो वो बंदा किसको देख रहा होता है, क्या मालूम इसके सामने कोई सी मक्खी वगैरह है जिसको उड़ा रहा है। एंड अब देखना मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको जब मालूम है इसके साइड से निकल के आया हूँ मैं, तो यहाँ पर पीछे से कैसे डाल सकता हूँ। तो आज का गेम प्ले कैसा लगा? 3000 का डैमेज मारा और हमारा चिकन डिनर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए एंड नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय, चलो बाय बाय। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, चलो बाय। We'll be right back.